इंक्रीज बाय 44% जुलाई सितंबर में. सो इट डज इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर डॉलर की बात ले लें. इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तान रुपी अब स्ट्रेंथन हो गया है टू 279, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर. इट्स एन अप्रिसिएशन ऑफ 8%. आपको पता है ये नीचे जा रहा था. इन द इंटरबैंक मार्केट्स में ये 305 पे पहुंच चुका था और जो अनऑफिशियल मार्केट में इससे ज़्यादा था. हाँ जी बिल्कुल. अब मैं आपको बताऊं कि जब ये मसला आया तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमें ये पता चला कि बहुत करेंसी की इलीगल स्मगलिंग हो रही है, मिसयूज़ हो रहा है और गलत काम हो रहे थे, कुछ विद इन द कंट्री, कुछ अलॉन्ग साइड द बॉर्डर्स. और फिर वो जो एक्सचेंज कंपनीज का जो रोल था उसके रिफॉर्म्स किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एटलीस्ट इट्स अंडर कंट्रोल. देखें, कोई भी फाइट एक गो में नहीं होती, तो इसको संभालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब विजिलेंट रहें. आप लोगों को भी, लोगों को डिस्करेज करना चाहिए कि वो इलीगल करेंसी में चीज़ें ना करें. बिकॉज देखिए, पाकिस्तान रुपी को स्टेबल रखने में ये कोई, हम कोई फिजिकली चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सचेंज रेट मार्केट डिटर्मिंड ही होता है पूरी दुनिया में और हम अभी IMF के प्रोग्राम में हैं. लेकिन गलत इस्तेमाल करना हमारी करेंसी का इज़ इलीगल और उसको स्टॉप करना वो सब हुकूमत के इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक जो ड्राइव है एंटी स्मगलिंग की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर बहुत तवज्जो दी जा रही है. इसके अलावा जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं, जो होर्डिंग है, इस किस्म के जो गलत काम हो रहे हैं उनको काबू में किया जा रहा है. और इसके लिए आई सलूट हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है. इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको पता है जब हम आए थे तो इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा थी. ये मैं नहीं कहती हूँ कि हमने इन्फ्लेशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन हमने बड़े फोकस तरीके से इन्फ्लेशन को काबू में लाने की कोशिश की है और इस वक्त इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है. काबू में पा लिया है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. ऊपर हो सकती है, हो सकता है हो जाए, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान काफ़ी ओपन इकोनॉमी है, तो कुछ भी बाहर से चीज़ होती है उसका इम्पैक्ट हमारे पर आता है. जिस तरह यूक्रेन वॉर थी, इस तरह जो कमोडिटी ऑयल प्राइस, कमोडिटी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जिन पे हमारी डिपेंडेंस है, जब वो बढ़ती हैं तो हम पे उसका असरात आता है. ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उसका हम पे असरात आता है. लेकिन आप ये देखें कि हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जब रिवाइज़ की, क्योंकि हमारी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं जो प्रोड्यूस करती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली थेफ्ट का भी है, उसके अलावा हम बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये इलेक्ट्रिसिटी और गैस को प्रोड्यूस कर रहे थे. बड़ी हिम्मत से कोशिश करके हम लोगों ने इन सब प्राइसेस को अलाइन किया है विथ मार्केट और अब इसके बाद कंटिन्यूसली इसको रिवाइज करेंगे. आपको पता है कि ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ था ऑयल गुड्स ऑयल का, उसकी पर्टिकुलरली गैस एंड ऑल दैट, तो इसकी इमीडिएटली जब प्राइसेस गिरी तो हमने फिर डाउनवर्ड एडजस्टमेंट कर ली. तो हम सिर्फ पास ऑन नहीं कर रहे, लेकिन जब ग्लोबल जो इम्पोर्ट्स हैं वो डाउनवर्ड जाती हैं तो हम फौरन उसका एडवांटेज पब्लिक को पास थ्रू कर देते हैं. तो फूड इन्फ्लेशन आपको सबको पता है,
हर किस्म के मसाइल होते हैं, कभी ये शॉर्टेज हो जाता है, कभी वो शॉर्टेज हो जाता है. इन एनी केस मॉनिटरिंग बड़ी सिग्निफिकेंटली हो रही है इस वक्त के, ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो. FBR वो आपको अपनी स्टोरी बताएंगे, इसीलिए मैं FBR चेयरमैन को लेकर आई हूँ. लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि जो पॉजिटिव न्यूज़ है कि FBR ने पहले 3 महीने में जो कलेक्शंस की हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर, दे आर हायर देन द IMF टारगेट. तो ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है. बट क्या हमने इनको कहा है कि बस इसी पे रुक जाए? नहीं, ये आपको बताएंगे कि मैं इनको कितना तंग करती हूँ कि आप इन रेवेन्यूज़ को और बढ़ाएं. उसकी वजह यह है कि हमें पैसा चाहिए हुकूमत को चलाने के लिए, और आप लोगों को बिज़नेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिलजुल के काम करें. स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के रिफॉर्म्स हमने डेवलप कर दिए हैं, इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे. हमने फेडरल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज़ और बोर्ड्स को कहा है कि वो हमारी कंपनीज़ जो स्टेट ओन्ड में हैं उनकी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन होने दें. हमने बहुत सारी चीज़ें जो रिफॉर्म ओरिएंटेशन पे हैं, जो IMF के प्रोग्राम में थे, जो वर्ल्ड बैंक के डिफरेंट प्रोग्राम्स में थे, उन पे हमने काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट ट्रैक किया है. और पूरा जो IMF प्रोग्राम जो फर्स्ट क्वार्टर का है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली की है. और IMF जो है वो 2 तारीख को पाकिस्तान में आ रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टीम और हमारी दूसरी मिनिस्ट्रीज, वो हम उनको बताएंगे कि हम किस तरह प्रोग्राम पे ट्रैक पे हैं. और फिर वी हैव टू लीव इट टू गॉड टू हेल्प अस आउट. जैसे आप लोगों की दुआएं होंगी, इंशाल्लाह जहाँ तक हमसे हो सका है हमने उनके प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है. और एक एक चीज़ उनकी बड़ी स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब थी, उसको हमने हर चीज़ की एनालिसिस लास्ट वीक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की है. कलेक्टिवली पूरे गवर्नमेंट के एक एक इदारे से बात की है, और खुदा का फजल है कि अभी तक हम ट्रैक पे हैं. और बाकी वो आएंगे तो फिर हमें बताएंगे कि आया कि हमने सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किया है, बल्कि कहीं पे हमने ऐसी चीज़ें की हैं जो हमारे मुल्क के लिए वैसे ही ज़रूरी हैं. तो हम सिर्फ IMF प्रोग्राम को नहीं देख रहे, आप ये गलत ना समझिएगा. IMF प्रोग्राम को तो देखना इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो पहले वो आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, और आपकी देखते हैं कि आप पैसा कैसे खर्च किया है. तो जाहिर है वो दे आर अ बिग फाइनेंशियल सपोर्टर. और जब IMF अपना रिलीज करेगा तो हमें कुछ और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा हमारा आएगा. सो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. मैं अब दरख्वास्त करूँगी पहले वराइज साहब को. एक मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नया शुरू किया है, और वो ये है कि हम सब का एम्फेसिस है कि हम सिर्फ बैंक से पैसा लें. और आप लोगों ने शराय सूद की बात की है, इंटरेस्ट रेट्स की के बहुत हाई हैं. देखें, जब आपके पास आपके फिस्कल अकाउंट इम्बैलेंस्ड हो और जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में इश्यूज हों, तो उस वक़्त ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह ही इसको नैरो करते हैं. और उसकी रिजल्ट्स आप देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट नैरो हो गया है रिलेटिव टू द लास्ट ईयर. तो ये आप माने ना माने, ये इंटरेस्ट रेट्स जो है ना, वो डिमांड को कंट्रोल करते हैं कि आप जितने आपके पास पैसे हैं उसी में आप गुजारा करें. वो खुद ऑटोमेटिकली ये करता है, और उसकी रिजल्ट्स आपके पास हैं. इंटरेस्ट रेट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं डिटरमिन करता, वो सेंट्रल बैंक करते हैं, और उसकी डिस्कशन भी वो लोग करते हैं. और ये मैं आपको बताती चलूँ कि देखें, हमें बिल्कुल एहसास है कि इंडस्ट्री को क्या तकलीफ़ है. और ये नहीं है कि हम चूँकि इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं तो अक्सर यहाँ पे आती हूँ, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मेरी मुलाकात हुई है,
जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, मैं हर एक से मिल रही हूँ, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं, उनके मशवरे सुन रहे हैं, और उनको हम कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने की। जो चीज़ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ कि खामखा टेलीविज़न पे बैठ के तकरीरें नहीं करती हूँ, क्योंकि बेहतर यह है कि आप लोगों से डायलॉग किया जाए, आपकी जो भी मसाइल हैं उनको हम सुन के कोशिश करें कि हम उनको एड्रेस करें। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे, एक कैबिनेट कमेटी उन्होंने मुझे कहा था कि आप तश्कील करें, वो मैंने की, और वो इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम भी तैयार हो गया है। उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की हमने डायरेक्शन दी है। एक है नेशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने बनवाई है SME पे के साथ। फिर हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को अभी हमने ऑपरेशनलाइज करने के लिए, इंशाल्लाह वो कैबिनेट में जाएगा, उसकी अप्रूवल मिल जाएगी, बट काम उस पर शुरू हो चुका है, काफ़ी एडवांस है। हमने इस गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ की है ताकि, और फिर ऑयल भी इम्पोर्टेशन की हुई है। हम डिफरेंट कंट्रीज से हमने बात की है कि हमें एक्सपोर्ट मार्केट्स ओपन अप करने दें। इस तरह के काफ़ी सारे एजेंडा है जिसका अब हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है, बट हम अपना इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे डालेंगे और आप लोग ज़रूर देखिएगा, और अगर आप किसी तरीके से उसमें हिस्सा ले चुकें, जो उसका एम्फेसिस ये है कि वी वॉन्ट सस्टेनेबल ग्रोथ लेड बाई प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो एसोसिएशन है उसका फंडामेंटल रोल है। आप सबसे पुरानी एसोसिएशन है, आप लोगों को बिजनेस करनी आती है। आपने जिस तरह कहा ये कॉटेज इंडस्ट्री से बढ़ जाती है ऊपर, और ये मुल्कों में यही होता है, नीचे से ऊपर इंडस्ट्री बढ़ती है, वही मुल्क तरक्की करता है, बिकॉज जो कंपेटिटिवनेस होती है वो इसी लेवल पे होती है, मतलब वो जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस आप जो डेवलप करते हैं उसी से होता है। तो आई विल स्टॉप हियर, लेकिन जो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स का हमने काम कराया है, जो कि अभी तक आप लोगों को विजिबल नहीं हुआ है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल हमने फाइनली एक अप्रूवल हमारा आ गया है जो, और वो कैबिनेट में जाने वाला है। उसमें हमने सबसे बड़ा जो स्टेप लिया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे के हमने रिफॉर्म्स किए हैं, और वहाँ पे हम आप सबको इनक्रेज करते हैं कि आप पैसा बजाए कमर्शियल बैंक से लें, आप पैसा रेज करें, आप अपनी कंपनीज को लिस्ट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, बिकॉज सारी दुनिया में यही होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि हमारी जो कंपनीज हैं या वो अपने पैसों से गुजारा करती हैं और वो बोरो नहीं करती हैं। बोरो करना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको एक्सपेंड करना है, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो लेवल पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए मुनासिब नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करनी है अपनी बिजनेस, और जो लोग मल्टीप्लाई अपनी बिजनेस करते हैं वो स्टॉक मार्केट से उठाते हैं। जाहिर है उसका डिस्क्लोजर ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसकी कॉस्ट अब रिड्यूस कर रहे हैं। सो ओवर टू यू नाउ टू द ऑनरेबल कमिश्नर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुरंगी एसोसिएशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान वड़ाइच है और मैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में कमिश्नर हूँ, और मैं सिक्योरिटीज़ मार्केट डिवीज़न को देखता हूँ जो ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस और उनसे मुतल्लिका जो कवानीन हैं और जो मसाइल हैं और जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं
उसके लिए कोशिश करता है। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, FBI की कराची के 103 मकामात पर कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की नॉन टैक्स पेड सिगरेट्स बरामद कर ली। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अंजुम वाहब से। जी अंजुम बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, RTO 1 के तहत ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। हैदर दारियों के तहत मुख्तलिफ टीमें गई थी, ये तकरीबन 103 मकाम पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और 5 लाख से ज्यादा सिगरेट जब्त कर लिए गए। 1 करोड़ रुपए मालियत के ये सिगरेट्स हैं। मुख्तलिफ मार्केटों जिसमें सदर, DHA कलेक्टर और अतराफ के इलाके शामिल हैं, वहाँ कार्रवाइयाँ की गई। इसी तरह RTO 2 में भी ये कार्रवाइयाँ की गई है, जिनमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाटोबाद, नाजोबाद, उरंगी इलाके शामिल है। यहाँ पर भी तकरीबन 40 मकाम पर कार्रवाइयाँ करके 12 करोड़ रुपए मालियत से दायित के जो नॉन ड्यूटी पे सिगरेट बरामद किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब तफसीलात के लिए। इस तहकाम पाकिस्तान पार्टी का जहानिया में पार्शो काकनों के जलसागा आमद का सिलसिला जारी है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि PTI के बहुत से लोग IPP में आए, हमारा चैलेंज अब मैदान मारना है। पाकिस्तान पार्टी एक छोटी तहसील के छोटे कस्बे में अपना फुल पावर शो लगा के ये साबित कर रही है कि